ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मुलाकात में लगातार हमारे साथ नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। सर, इतने नए आइडियाज कहां से आते हैं? क्या आप खुद अनुसंधान करते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, कुछ देख कर आते हैं तो कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? क्या आपके सहयोगी या फिर आप खुद ही चारों तरफ नजरें आपकी रहती हैं? नहीं, कोई आप जैसे अच्छे लोगों से चर्चा करता हूँ, अच्छी बात लगती है उसको स्वीकार करता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट। अभी हमने ई फास्ट ट्रैक शुरू किया है और मैं अपील करूँगा कि हमारे देश में ये टोल नाके पर खड़ा होने के कारण गाड़ियाँ ट्रक हमारे देश का 90,000 करोड़ का नुकसान होता है, ये कलकत्ता IIM ने रिपोर्ट किया है। अब हमने फास्ट ट्रैक किया है, जैसे मोबाइल फोन चार्ज होता है वैसे आप एक स्टिकर खरीद लीजिए और गाड़ी पर लगाइए, आपको रुकने की जरूरत नहीं, जाएंगे तो तुरंत वो हो जाएगा, ऊपर होगा और आप निकल जाएंगे। तो मैं आह्वान करता हूँ सभी भाई और बहनों को, गाड़ी वालों को, ट्रक मालिकों को, कि आप ये फास्ट ट्रैक खरीदी कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी टोल नाके पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान के लिए तमाम चीज़ें बड़ी नहीं लगती हैं, कब तक हिंदुस्तानी चीज़ें एक्सेप्ट करने लायक हो जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं धीरे धीरे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा भविष्य जो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में हिस्टोरिकल चेंज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में हमारे इंजीनियर्स ने नंबर एक का नाम कमाया है। आज वर्ल्ड में सबसे अच्छे इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो भारत के हैं, तो ये दोनों में हमने हासिल किया। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट का अब हम प्रचार कर रहे हैं और पंजाब में तो इसमें काफ़ी काम हुआ, हरियाणा पंजाब में, और इसलिए वर्ल्ड में 2020 में 6.5 करोड़ स्किल जॉब्स हैं और आज हम स्किल डेवलपमेंट जो काम करेंगे इसमें से ट्रेन हुए लड़कों को आगे वर्ल्ड में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम मिलेगा वैसे हमारे नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट का काम मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र उसमें काम मिलेगा और वो देश उनको रोजगार मिलेगा और देश के प्रगति और विकास में उनका बड़ा योगदान होगा। हिमाचल प्रदेश आप जाने वाले हैं अगले महीने और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को भी कई सौगातें ऐसी मिलने वाली हैं जो आने वाले वक्त में पर्यटन का विस्तार वहां पर कर सकती हैं, क्या योजना है? सर, मैंने हिमाचल को बहुत करीब 1370 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर दिया है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और भी कोई 500-700 किलोमीटर तो जाहिर करूंगा। मेरी एक चिंता है कि हिमाचल में जो ट्रैफिक ऐसा कर होके घूमते जाता है तो खाई में बसेस गिरती है, 8 लोग 12 लोग मरते हैं। मैंने हमारे डिपार्टमेंट को इसका अध्ययन करूं कि क्या ये एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते, क्या इन लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती, हम कोशिश कर रहे हैं, देखो आगे इस ऊपर क्या हो सकता है। हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से काफी सौगातें मिली हैं, हरियाणा पर लगातार आपके मंत्रालय की बात करें तो आपके मंत्रालय ने भी हरियाणा को बहुत कुछ दिया और कहीं ना कहीं फायदा भी हरियाणा का काफी ज्यादा। अभी द्वारका का एक्सप्रेस हाईवे हमको उन्होंने दिया, हम काम शुरू कर रहे हैं, दोनों की परमिशन मिल गई। दिल्ली जयपुर हरियाणा से जाता है गुड़गांव तक, 4 फ्लाईओवर बना रहे, 2 अंडरपास गुड़गांव में बना रहे। हरियाणा में जो जो मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेके आते वो मैंने सब करके दिए जी, बिल्कुल। वो 100 मांगने के आ रहे, 200 रुपये देके उनको वापस भेजा। हरियाणा की हमारी सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और उनके पूरे सहयोग में हम खड़े हैं और उनको पूरी मदद करेंगे। सर, दिल्ली से थाईलैंड सड़क कब जा रही है? सर, ऐसा है कि ये जो BBIN करके जो है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत, ये चारों देशों में हमने करार किया है। करीब 25,000 करोड़ के बॉर्डर लेवल पुल रोड हम बना रहे हैं और दिल्ली से अपने आसाम से म्यांमार तक रोड बन रहे हैं और म्यांमार से फिर बैंकॉक तक रोड जाएगा और ये सपना है। पर आपको बताती हूँ, मुझे खुशी हो रही, पहली बार अगरतला से अगर कलकत्ता आना है तो 18 घंटे लगते थे, अब अगरतला से ढाका और ढाका से कलकत्ता आ सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा से कोई भी मटेरियल बांग्लादेश को ले जा सकते हैं। तो हमने उनके साथ भी करार किया है, नेपाल के साथ भी सब रोड अच्छे बना रहे हैं और आने वाले समय में अनेक देशों को जोड़ने वाले हमारे रोड अच्छे होंगे, उससे हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा, उसमें सुविधा आएगी, कॉस्ट कम होगी और देश में इंडस्ट्री बढ़ेगी और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 18% से 12% लाकर हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ाकर देश में नए रोजगार का निर्माण होगा, ये कोशिश मेरा डिपार्टमेंट करेगा। और इसलिए मेरा टारगेट है कि 5 साल जब पूरे होंगे तो हम कम से कम 2 से 3% GDP कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण करेंगे और 25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश में खड़ा करेंगे। ये चैलेंज हमने सामने रखकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप में इससे हम यशस्वी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक सांसद दिए हैं, हालांकि आप पूरे राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, कोने कोने का विकास कर रहे हैं, लेकिन यूपी में भी बहुत सी ऐसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिससे वहां पर रफ्तार बहुत तेज बढ़ने वाली है। बिल्कुल बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में मैं कम से कम 80,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ और निश्चित रूप से ये दिल्ली मेरठ, ये उत्तर प्रदेश में आने वाला एक्सप्रेस हाईवे है, दासना तक वो मेरठ की तरफ जाता है, दासना से लखनऊ तक मुझे ले जाना है, कानपुर से लखनऊ 8 लेन रोड एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, एक्सेस कंट्रोल, और कानपुर तक जो एग्जिस्टिंग रोड है उसमें 3-3 लेन ये एक्सेस कंट्रोल डायरेक्ट
और दो दो लेन बाजू में जाने के लिए इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने कहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश के विकास में हम निश्चित रूप से बड़ा योगदान देंगे। और ये जो गंगा का काम शुरू है वाराणसी हल्दिया तक 1620 किलोमीटर, उसमें वाटरपोर्ट बन रहा है, गाजीपुर में बन रहा है, वाराणसी में बन रहा है, तो इसके कारण भी बहुत बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में होगा और रिवर साइड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, क्लस्टर्स तैयार होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा और जिसमें उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी गति मिलेगी। सर, नीली क्रांति की बात भी कर लेते हैं, आपने एक नया शब्द ईजाद किया है, हम देश में नीली क्रांति लेकर आएंगे। क्या लगता है कि भारत के अंदर अगर जल यातायात की बात करें तो कितना बड़ा विस्तार हो सकता है इसका, कितना अच्छा भारत के लिए? देखो, 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र किनारा है, 78 डिस्ट्रिक्ट्स और 18% पॉपुलेशन इसमें आती है और 111 नदियों को हम लोग जलमार्गों में रूपांतरित कर रहे हैं। जैसे रोड नेटवर्क है, पावर नेटवर्क है, वैसा अब हम लोग वाटर नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। और एक आपको बात बता दूं, अगर रोड से जाएंगे तो 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपये आता है और पानी से जाएंगे तो केवल 20 पैसे आता है। चाइना में 47% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है, कोरिया और जापान में 43-44% है और यूरोपियन देशों में 40% और हमारे देश में 3.5% है। हम 2 साल में केवल 1.5% बढ़ाकर उसको 6% कर सके, अब इसको और बढ़ाना है। और इसलिए ये जो है दिल्ली से मुंबई से अगर दिल्ली कोई माल भेजना है तो महंगा भी है और कठिन भी है, पर इससे सस्ता है मुंबई से दुबई या लंदन माल भेजना। ये स्थिति हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारा उद्योग व्यापार नहीं बढ़ेगा। और ये जो 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको हम 12% पे ले आएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इसलिए जलमार्गों के कारण वाटरपोर्ट बनेंगे, कोस्टल ट्रैफिक बढ़ेगा और इससे देश में एक बड़ा चेंज आएगा। महानदी में कोलफील्ड 60 मिलियन टन से अपना कोल प्रोडक्शन 300 मिलियन टन कर रही है और ये पूरा कोल तारचेर से पारादीप तक हम लोग एक रेलवे लाइन बनाने की बात कर रहे हैं और वहाँ से पूरा कोल हमारे पानी ऊपर से जहाज से गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आएगा, उधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जाएगा, उससे पावर 1 रुपये यूनिट सस्ती होगी और एक प्रोजेक्ट से देश का 10,000 करोड़ का फायदा होगा। तो ये बहुत, अभी मैं पंजाब हरियाणा में कैनॉल्स बड़े बड़े हैं उसको हम वाटरवे में रूपांतरित करें, इंदिरा कैनॉल के ऊपर स्टडी किया हमने, उसको कैनॉल को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जैसे रोड बना वैसे कैनॉल भी ये वाटर का एक मार्ग बने। तो उसमें थोड़ी बहुत अड़चने हैं, साल भर 3 मीटर का पानी का ड्राफ्ट मेंटेन करना होगा, उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, पर हम ये कर पाएंगे और ये करने से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आमूलाग्र बदल होगा और इससे रोड के एक्सीडेंट्स कम होंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री, ये जलमार्ग का सबसे बड़ा फायदा है। सर, रोजगार सृजन की बातें हम कर रहे थे, सागरमाला परियोजना की भी बहुत नाम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश को फायदा मिलने वाला है इससे? देखिए, सागरमाला में टोटल 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, इसमें से 4 लाख करोड़ पोर्ट रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट रोड कनेक्टिविटी और मैकेनाइजेशन ऑफ पोर्ट, इसके लिए 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम 5 नए पोर्ट बना रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे और ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के कारण निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार होगा और इसमें कम से कम 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। ये हमने तैयार की हुई रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने अध्ययन करके दिए हुए रिपोर्ट है। इसमें पेट्रोलियम क्लस्टर होगा, लेदर क्लस्टर होगा, अलग अलग स्टील्स क्लस्टर होगा और इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इसलिए सागरमाला ये इसके लिए एक अलग कंपनी बना रहे हैं और इससे कम से कम 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और करीब 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स निर्माण होंगे, ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गडकरी साहब, 5 साल बाद अब जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो क्या इस नीली क्रांति का असर हिंदुस्तान में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा? देखिए, हमारे पास टोटल हमारे 13 स्टेट से जो समुद्र किनारे से जुड़े हुए हैं और ये जो जलमार्ग बनाएंगे उसके साथ भी कुछ स्टेट जुड़े हुए हैं, तो इसके दोनों के काम का बहुत बड़ा फायदा होगा और इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इससे हमारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, रोजगार की क्षमता बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और चाइना की इकोनॉमी जैसे एकदम बढ़ी वैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और देश में हम नंबर 1 पर जाएंगे, इतनी ताकत हमारे बीच में खड़ी होगी। हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके और रोजगारों को रोजगार देकर हमारे गरीब आदमी का जीवन सुसह्य बनाए, यही हमारी कल्पना है। देखो, 1 करोड़ लोग रिक्शा चलाते थे, हमने
मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा लाई। मुलायम सिंह जी कह रहे थे पार्लियामेंट में कि डॉक्टर लोहिया कह रहे थे कि जीवन भर मैं इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, क्योंकि आदमी आदमी को खींचता, यह अमानवीय है। हमने ये अमानवीय प्रथा बंद की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अनेक अड़चने आई और इस देश में मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा लाई। ये जो अंत्योदय का विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, कि हमारे समाज के जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम भगवान माने और उनको हम निरंतर उनके लिए काम करते रहे, और जिस दिन इन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उनका जीवन सुसह्य होगा और वह सहजता से जीवन जी सकेंगे, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, हम भी ऐसा समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, यही हमारी आर्थिक सोच है। एक तरफ दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, रशिया और चाइना में शुरू हुई वही खत्म हो गई, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी अमेरिका में वो भी अड़चन में आई और चाइना ने स्वीकार किया, वो भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो सोशलिस्टिक पैटर्न पे जा रहे थे वो भी कोई परिणाम निकाल नहीं पाया। अब ऐसे स्थिति में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर और अंत्योदय का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग, सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर गरीब के जीवन को, बेरोजगारों को रोजगार देना, जैसे स्मार्ट शहर बनेंगे वैसे स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, और किसानों को प्राथमिकता मिले, सिंचाई को प्राथमिकता मिले, गांव में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू हो, गांव में अच्छी स्कूल खोले, गांव में अच्छे रोड बने, गांव में अच्छे अस्पताल बने, गांव में मॉल बने, ताकि लोग गांवों से शहर में ना आए, आदर्श शहर भी बने और आदर्श गांव भी बने। यही हमारा जो इंटीग्रेटेड थिंकिंग है, यही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमिक सोच है, और ये सोच केवल हिंदुस्तान को नहीं तो दुनिया को एक विजन देगी, और इसके आधार पर हम भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बस छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार की किस योजना ने नितिन गडकरी को किया सबसे ज्यादा प्रभावित।